घुमा हुआ है मैं, जैसे बोला आरा, मुजफ्फरपुर, पटना, बोरिंग रोड सब देखे हुए मेरे। चलो जी, आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग कह रहे हैं, बनेंगे मुख्यमंत्री? अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत करो। मुझे लगता, मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि ऐसा सोच रखी जाती है कि सिर्फ राजनीति में आके ही मदद की जा सकती है। जो मैं पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा उसका कहने का उद्देश्य ये है कि किसी की मदद करने के लिए राजनीति में आना जरूरी नहीं। राजनीति बहुत कमाल का फील्ड है, उसमें आके और मदद हो सकती है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, एक ऊपर वाले ने तय किया होता है, जब होना होगा खुद ब खुद ले आएंगे। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है कि स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल्स बने, और ऐसी जगह बने जहाँ पे कहीं भी गरीब आदमी आज जब जाता है, कई बार हम बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों में जाते हैं या अस्पतालों में जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। एक ऐसी व्यवस्था बने कि एक फ़ोन के ऊपर उनका इलाज हो, जाने बच सके। हमने पिछले 2-2.5 साल से करीबन 4,700 सर्जरीज कराई हैं, चाहे आप लिवर ट्रांसप्लांट बात करें, किडनी ट्रांसप्लांट, आप ब्रेन ट्यूमर की बात करें, हर सर्जरीज कराई है, जबकि मेरा कोई अस्पताल नहीं है। लेकिन किस तरह पूरे देश को जोड़ा, वो एक बड़ा मेरा लक्ष्य था। वो अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ें हुई। और मेरे घरों पर आज जब बिहार से इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, आप विश्वास कीजिए, उनके पास रेलवे की टिकट के पैसे नहीं होते, लेकिन जब वो टीटी को बोलते हैं कि हम सोनू सूद के घर जा रहे हैं, उनसे टिकट भी नहीं लेते। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से ऑटो वाला जब उनको घर छोड़ता है, वो बोलता है कि मैं इनसे पैसे नहीं लूँगा सर, कि जब आप इतना अच्छा काम करें, मेरी तरफ से छोटा सा योगदान है। सो मकसद ये है कि हम एक दूसरे से कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ कि मुझे पता है कि जब पूरे हज़ारों लाखों लोग करते हैं तो मैं सब तक मदद नहीं पहुँचा सकता, लेकिन जिनकी आवाज़ मुझ तक पहुँचती है, किसी तरह की उनकी कोई भी जरूरत हो, मैं उन तक पहुंचाने की जरूरत करता हूं और मैं करता रहूंगा। जिनको मुंबई में बिहारी के नाम से बोला जाता, भाई बैठ जाओ, मतलब कि निकल जाओ, साइड हट जाओ, आप मेरे जैसे कलाकारों को क्या ऑफर देना चाहते? देखिए, बिहारी बोलना तो बहुत ऊंचे स्तर की बात है भैया, मैं बिहारी हूँ, घर से बोलना चाहिए। जब दबंग जब पिक्चर बनी थी, तो उस समय जो छेदी सिंह का किरदार था वो बनाया गया था, मैंने बोला कि यार बिहारी, क्योंकि मैं बिहार वालों के साथ समय बिताया, मेरे साथ कॉलेज में सीतामढ़ी के लोग, मुजफ्फरपुर, आरा, उनके जगह, और मैं कॉलेज के दाम 91 के अंदर खुद इस सब जगह पे घूमा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई टैलेंट को, यही कहना चाहूँगा कि टैलेंट, उसके टैलेंट एक ऐसा पानी का बहाव होता है जिसको कोई रोक नहीं सकता। सोनू सूद जी, आप एक बार बताइए, इस सोनू सूद जी बिहार आने का पूरा आपका मकसद क्या है, इस स्कूल में आने का क्या मकसद है, आप क्या मकसद लेके आए, पहले वो बता दीजिए, उसके बाद लोग बताइए। देखिए, जब कोरोना काल में जब मैं इतने बिहार के लोगों से जुड़ा, करीबन 7.5 लाख लोगों को भेजा, जिसमें से 25-30% लोग बिहार के थे और वो अलग अलग हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आज जब मुझे याद है कि इस एक हम लोग शो कर रहे थे पाटलिपुत्रा 3, विजय जी और नरेंद्र जी ने जब मुझे बुलाया, मेरी शूटिंग थी उस समय पर, मैंने बोला बिहार जाना है, तो मैंने सब अपनी शूटिंग हटाई और मैं बोला मैं इसलिए जाऊंगा, ना सिर्फ कोई शो अटेंड करूंगा बल्कि आम हर जनता से मिलूंगा। तो मेरा मकसद आज सब लोगों को आपके थ्रू ये कहने का है कि आप ये कभी मत सोचिए कि बिहार पिछड़ा हुआ है या उनको मदद नहीं होती या राजनीति से कब मदद होगी या कौन नेता कौन करेगा, कौन अभिनेता करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आम इंसान हैं, हम आम इंसान बनके बिहार को वो बनाएंगे जो हम बनाना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आपका पहला उद्देश्य क्या होगा? बना के छोड़ोगे आप तो यार? बिहार से बहुत सारे कलाकार हैं, बिहार में बहुत सारे कलाकार, लेकिन आपसे क्यों ज्यादा अटैचमेंट बिहार के लोगों को? क्योंकि मेरी अटैचमेंट बिहार वालों से बहुत ज्यादा भाई। मेरा जो रिश्ता है बिहार से, आज का नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान का। मेरे रूम पार्टनर सब बिहार के थे, मैं हूँ पंजाब से, लेकिन जब बिहार और पंजाब का झगड़ा होता था, मैं बिहार वालों के साथ खड़ा रहता था, तो मेरे पंजाब वाले बोलते अरे यार तू पंजाबी है, उधर कैसे खड़ा हुआ? मैं बोला मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरे भाई हैं बिहार। तो कुछ ना कुछ रिश्ता तो मेरा बिहार का बहुत सालों से है, जो आज मैं वापस हुआ, लॉकडाउन में मैक्सिमम बिहार के लोगों से मिल पाया, आज मैं बिहार में स्कूल में बैठा हूँ, तो एक रिश्ता ज़रूर है। हो सकता है 4-5 साल पर जब आप देखेंगे तो इसके पीछे भी कोई लगेगा कि कोई तो ऊपर वाले ने सोचा होगा जहाँ पे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। अरे मैं भाई, मेरे को जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। मैं वही बोला हूँ, राजनीति नहीं, उसके बिना भी मैं काम करता रहूँगा। जी सर, एक एक करके, मैं दूसरी बार आया हूँ, पहले आया था मैं सीतामढ़ी, आया था सीतामढ़ी से रक्सौल और वहाँ से बीरगंज, मैं पूरा घुमा हुआ है, मैं जैसे बोला आरा, मुजफ्फरपुर, पटना, बोरिंग रोड सब देखे हुए मेरे, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और आज जब मैं दोबारा आया,
क्या बदलाव देखा सर, जब पहले आप आए थे और आज आप आए, क्या बदलाव आपने पाया? पहले भी बिहार वाले नहीं सुनते थे, अभी भी नहीं सुनते हैं। और प्यार जो बिहार वाले करते हैं वो कोई नहीं करता, ये भी बात सुने। मैं अपने दोस्तों को बोलता था, मेरे साथ कॉलेज वाले पढ़ते थे, मैं कह यार तुम पानी कौन सा पीते हो यार, सुनते ही नहीं हो तुम लोग। और आज भी हम लोग देखते थे, सुनते नहीं, लेकिन जो दिल है बिहार वालों का उसमें इतना प्यार से भरा हुआ है और इतना उनके अंदर स्नेह है कि उसका जो रिश्ता है वो कहीं नहीं। मैं जितना बिहार में मुझे प्यार मिलता है, मैं पंजाब में जहाँ पैदा हूँ, मुझे उससे ज्यादा बिहार में प्यार मिलता है। अब ये होता है बिहार, इसलिए मैं वापस आता हूँ। बिहार के लिए आप हीरो हैं कि विलेन? देखिए मैं आम जनता हूँ और आम जनता से बड़ा हीरो कोई नहीं है। पर्दे पर सिर्फ आप एक्टिंग कर सकते हो, चाहे हीरो की करो विलन की करो, लेकिन जब सड़कों पे उतरना पड़ता है, आम जनता के बीच में उतरना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, वो असली है। मैं खुद स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं लोग, मैं खुद ऑलमोस्ट 5 कंपनियों को सपोर्ट कर रहा हूँ। हमने 3 कंपनियां बहुत बड़ी बना दी हैं। मैं खुद 2 बिहार के बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं जिनके लिए मैं उनसे ऑलरेडी कर रहा हूँ, आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। सो मैं कहना सभी से चाहता हूँ कि बिहार में अगर आप देखिए कितने IAS और IPS अफसर सबसे ज़्यादा बिहार से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग बिहार वालों का इतना है, अगर उनको हम लोग वो सुविधा दे दें, अगर वो उनको प्लेटफॉर्म दे दें, तो आप सोचिए कि बिहार मतलब देश चला सकता है, इतना उनके अंदर समझ है। पर उसी की कोशिश है कि हम लोग बिहार को वो दें जो बिहार को सालों से मिलना बड़ा ज़रूरी है, जो बिहार डिज़र्व करता है, उसके लिए मैं आगे खड़ा हूँ। और मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने माइंड में रखी हुई हैं, बस आप ये दुआ मानते रहिएगा कि वो सब हो, और फिर आप देखिएगा जब अगली बार मैं बोलूँगा कि आप बोलेंगे कि सोनू सूद आप सही में बिहार के अंदर वो बदलाव लेके आए। जो मैं देखिए मैं हमेशा खड़ा हूँ एक बात, मुझे रास्ते में जब मैं आ रहा तभी भी मैं बोल रहा था, फिल्म इंडस्ट्री बनाते हैं लोग, वहाँ के आर्टिस्ट, और कितना वो काम देते हैं। मैं हमेशा खड़ा हूँ, मुझे किसी तरह का कभी भी कोई भी मेरी तरफ से योगदान रहा है, मैं फिल्म इंडस्ट्री आप मैं दे दूंगा सर कॉन्टैक्ट। मेरा ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस है सर, मैं तो पिक्चर ही बिहार के लिए बनाने के लिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ एक ऑफिस खोलना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उससे काम नहीं चलता कि मैंने अगर एक मेरा सोनू सूद प्रोडक्शंस ऑफिस खोल गया, उससे काम नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ पे कैसा चैनल क्रिएट करूँ ताकि कोई जो भी लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं, जो बम्बई जाने से डरते हैं, मुंबई जाने से डरते हैं, उनको पता हो कि यार हम लोग वहाँ पे एक अपना पोर्टफोलियो या हम अपना वहाँ पे CV दे दें तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ जाएगा, उसकी मैं पूरी कोशिश करूँ। पैसा होना ज़रूरी है, फेमस होना ज़रूरी है मदद करने के लिए, नहीं सक्षम होना ज़रूरी है। मेरे लिए मैंने जो लोगों को भेजा सर, जो आदमी 120 रुपए की दिहाड़ी बनाता है बिहार का बंदा, वो भी आज हमारी संस्था के साथ जुड़ के किसी गांव के अंदर इंटीरियर को किसी को भैंस देने जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जुनून है काम करने का। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने फेमस हैं, एक्टर हैं, नहीं है, आम आदमी हैं, आप हमारे साथ जुड़िए सूद फाउंडेशन के साथ, हम सारा किसी को प्रॉब्लम नहीं आने। बिहार देश चला सकता है तो बिहार के मुख्यमंत्री देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, क्या उनके मुहिम में आप साथ होंगे अगर बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनता है या बनने के लिए आगे लड़ाई लड़ता है? देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के अंदर जो दिमाग है वो IAS IPS ऑफिसर जो बनते हैं और जो देश चलाते हैं उसी से पता लगता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ से आते हैं। दूसरी बात ये बोले कि स्टेट कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, MLA हो, MP हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सिर्फ जुनून चाहिए देश को हेल्प करने का, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी के साथ भी खड़ी है।